फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जंपर मूवी के बारे में 2008 में यह मूवी रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग आज भी जंपर मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी जंपर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ के लिए सो so, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि जंपर मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने जंपर मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है फुल डिटेल में आपको जंपर मूवी के बारे में बताने वाले हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन जंपर मूवी ने किया था आपको हम आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं मतलब के फुल डिटेल में इस वीडियो में जंपर मूवी का रिव्यू आपको देने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है जंपर मूवी में सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी जम्पर मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो जंपर मूवी को डायरेक्ट किया है डॉग लाइमन ने स्क्रीन प्ले लिखा है जंपर मूवी का डेविड एस गोयर ने जिम ओहिस ने साइमन किनवर्ग ने स्टोरी लिखी है जंपर मूवी की स्टीवन गोल्ड ने प्रोड्यूस किया है जंपर मूवी को अरनॉन मिलचैन ने लूकस फॉस्टर ने साइमन किनवर्ग ने जे सेंट्रस ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो जंपर मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर हेडन क्रिस्ट देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जैमी बेल देखने को मिल जाते हैं राकेल विल्सन देखने को मिल जाते हैं माइकल रूकर देखने को मिल जाते हैं अन्ना सोफिया रॉब देखने को मिल जाते हैं मैक्स रॉइट देखने को मिल जाते हैं डियाने लेन देखने को मिल जाते हैं सैमुअल एल एल जैक्सन देखने को मिल जाते हैं सीनेटोग्राफी की है जंपर मूवी में बैरी पीटरसन ने इस मूवी को एडिट किया है सार क्लेन ने डॉन जिमरमैन ने एंड म्यूजिक किया है जम्पर मूवी का जोहन पॉवेल ने प्रोडक्शन कंपनीज़ है जम्पर मूवी के रियंसी एंटरप्राइजेस न्यू रियंसी प्रोडक्शंस हाइपनोटिक ड्यून एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है जंपर मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने रिलीजिंग डेट है जम्पर मूवी का चौदह फरवरी दो हज़ार आठ रनिंग टाइम है जम्पर मूवी का एटी एट मिनट्स एंड इस मूवी को एटी फाइव मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन मिलियन डॉलर का रहा था काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इस मूवी ने काफ़ी बड़ा हिट मूवी गया था हेडन क्रिस्टेन ने सबसे पहले लीडिंग रोल पर डेविड राइस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जो कि एक जंगमैन होते हैं एंड उसके उस उस जंगमैन में एक एबिलिटी होती है जो कि शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस में जंप कर पाता है रैकेल विल्सन ने मैली हैरिस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सैम्यूल एल जैक्सन ने रोलैंड कॉक्स का कैरेक्टर निभाया है जैमी बैल ने ग्रीफिन और कॉनर का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में डैन लेन ने मैरी राइस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जॉनर की बात की जाए तो जंपर मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है यह मूवी जंपर नावल के ऊपर बनाई गई है जो कि स्टीवन गोल्ड द्वारा लिखी गई थी 1993 में जंपर मूवी को बहुत ही बढ़िया तरीके से डॉग लाइमर ने डायरेक्ट किया है एंड काफ़ी अच्छा एक्टिंग किया है इस मूवी में लीडिंग रोल पर हेट है ना क्रिस्टन सेन ने काफ़ी बढ़िया यह मूवी आपको लगने वाला है अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन मूवीज़ देखना पसंद है इस मूवी के रेटिंग की बात की जाए तो आई एम पर इस मूवी को सिक्स पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है जो कि काफ़ी अच्छी बात है काफ़ी बड़ी मूवी है दो हज़ार एट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इस मूवी ने आपको यह मूवी ज़रूर से देखनी चाहिए सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको जम्पर मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को एच बी ओ मैक्स पर देख सकते हो और टी प्लेटफॉर्म पर अमेज़ॉन प्राइम पर देख सकते हो डिज़नी प्लस पर देख सकते हो साथ ही में इस मूवी को आप गूगल प्ले पर रेंट भी कर सकते हो और परचेज़ भी कर सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जंपर मूवी के बारे में 2008 में यह मूवी रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग आज भी जंपर मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी जंपर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ के लिए सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि जंपर मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने जंपर मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है फुल डिटेल में आपको जंपर मूवी के बारे में बताने वाले हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन जंपर मूवी ने किया था आपको हम आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं मतलब के फुल डिटेल में इस वीडियो में जंपर मूवी का रिव्यू आपको देने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है जंपर मूवी में सो so वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी जंपर मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो जंपर मूवी को डायरेक्ट किया है डॉग लाइमन ने स्क्रीन प्ले लिखा है जंपर मूवी का डेविड एस गोयर ने जिम ओहिस ने साइमन किनवर्ग ने स्टोरी लिखी है जंपर मूवी की स्टीवन गोल्ड ने प्रोड्यूस किया है जंपर मूवी को अरनॉन मिलचैन ने लूकस फॉस्टर ने साइमन किनवर्ग ने जे सैंड्रस ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो जंपर मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर हेडन क्रिस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जैमी बेल देखने को मिल जाते हैं रैकेल विल्सन देखने को मिल जाते हैं माइकल रूकर देखने को मिल जाते हैं अन्ना सोफिया रॉब देखने को मिल जाते हैं मैक्स देखने को मिल जाते हैं डियाने लेन देखने को मिल जाते हैं सैमुअल एल, एल जैक्सन देखने को मिल जाते हैं सीनेमाइटोग्राफी की है जम्पर मूवी में बैरी पीटरसन ने इस मूवी को एडिट किया है सार क्लेन ने डॉन जिमरमैन ने एंड म्यूजिक किया है जंपर मूवी का जोहन पॉवेल ने प्रोडक्शन कंपनीज है, एं है जम्पर मूवी के रिजेंसी एंटरप्राइजेस न्यू रिजेंसी प्रोडक्शंस हाइपनोटिक ड्यून एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने रिलीजिंग डेट है जम्पर मूवी का चौदह फरवरी दो हजार आठ रनिंग टाइम है जंपर मूवी का एटी एट मिनट्स एंड इस मूवी को एटी फाइव मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन मिलियन डॉलर का रहा था काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इस मूवी ने काफ़ी बड़ा हिट मूवी किया था हेडन क्रिस्टन ने सबसे पहले लीडिंग रोल पर डेविड राइस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जो कि एक जंगमैन होते हैं एंड उसके ए उस उस जंगमैन में एक एबिलिटी होती है जो कि शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस में जंप कर पाता है रैकेल विल्सन ने मैली हैरिस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सैमुअल एल जैक्सन ने रोलैंड कॉक्स का कैरेक्टर निभाया है जैमी बैल ने ग्रीफिन ऑफ कॉनर का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में डेन लेन ने मैरी राइस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जॉनर की बात की जाए तो जंपर मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है यह मूवी जंपर नावल के ऊपर बनाई गई है जो कि स्टीवन गोल्ड द्वारा लिखी गई थी 1993 में जंपर मूवी को बहुत ही बढ़िया तरीके से डॉग लाइमर ने डायरेक्ट किया है एंड काफ़ी अच्छा एक्टिंग किया है इस मूवी में लीडिंग रोल पर हेट एन क्रिश्टन ने काफ़ी बढ़िया यह मूवी आपको लगने वाला है अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन मूवीज़ देखना पसंद है इस मूवी के रेटिंग की बात की जाए तो आई एम आई एम डी पर इस मूवी को सिक्स पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है जो कि काफ़ी अच्छी बात है काफ़ी बड़ी मूवी है दो हज़ार एट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इस मूवी ने आपको यह मूवी ज़रूर से देखनी चाहिए सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको जम्पर मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को एच बी ओ मैक्स पर देख सकते हो और टी प्लेटफॉर्म पर अमेज़ॉन प्राइम पर देख सकते हो डिज़नी प्लस पर देख सकते हो साथ ही में इस मूवी को आप गूगल प्ले पर रेंट भी कर सकते हो और परचेज़ भी कर सकते हो सो so, आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जम्पर मूवी के बारे में 2008 में यह मूवी रिलीज हुई थी काफ़ी लोग आज भी जम्पर मूवी को देखना पसंद करते हैं सो so, अगर आप भी जंपर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ के लिए सो so, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि जंपर मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने जंपर मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है फुल डिटेल में आपको जंपर मूवी के बारे में बताने वाले हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन जंपर मूवी ने किया था आपको हम आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं मतलब के फुल डिटेल में इस वीडियो में जम्पर मूवी का रिव्यू आपको देने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है जंपर मूवी में सो so वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी जंपर मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो जंपर मूवी को डायरेक्ट किया है डॉग लाइमन ने स्क्रीन प्ले लिखा है जंपर मूवी का डेविड एस गोयर ने जिम ओहिस ने साइमन किनवर्ग ने स्टोरी लिखी है जंपर मूवी की स्टीवन गोल्ड ने प्रोड्यूस किया है जंपर मूवी को अरनॉन मिलचैन ने लूकस फॉस्टर ने साइमन किनवर्ग ने जे सैंड्रस ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो जंपर मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर हेडन क्रिस्ट, क्रिस्टेंसन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जैमी बेल देखने को मिल जाते हैं राकेल विल्सन देखने को मिल जाते हैं माइकल रूकर देखने को मिल जाते हैं अन्ना सोफिया रॉब देखने को मिल जाते हैं मैक्स देखने को मिल जाते हैं डियाने लेन देखने को मिल जाते हैं सैमुअल एल जैक्सन देखने को मिल जाते हैं सैनमेटोग्राफी की है जंपर मूवी में बैरी पीटरसन ने इस मूवी को एडिट किया है सार क्लेन ने डॉन जिमरमैन ने एंड म्यूजिक किया है जंपर मूवी का जोहन पावेल ने प्रोडक्शन कंपनीज है जम्पर मूवी के रिजेंसी एंटरप्राइजेस न्यू रिजेंसी प्रोडक्शंस ड्यून एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया जम्पर मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने रिलीजिंग डेट है जंपर मूवी का चौदह फरवरी दो हज़ार आठ रनिंग टाइम है जम्पर मूवी का एटी एट मिनट्स एंड इस मूवी को एटी फाइव मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन मिलियन डॉलर का रहा था काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इस मूवी ने काफ़ी बड़ा हिट मूवी गया था हेडन क्रिस्टन ने सबसे पहले लीडिंग रोल पर डेविड राइस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जो कि एक जंग मैन होते हैं एंड उसके ए उस उस जंगमैन में एक एविलिटी होती है जो कि शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस में जंप कर पाता है रैकेल बिल्सन ने मैली हैरिस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सैमुअल एल जैक्सन ने रोलैंड कॉक्स का कैरेक्टर निभाया है जैमी बेल ने ग्रीफिन ऑफ कॉनर का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में डैन लेन ने मैरी राइस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जॉनर की बात की जाए तो जंपर मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है यह मूवी जंपर नॉवल के ऊपर बनाई गई है जो कि स्टीवन गोल्ड द्वारा लिखी गई थी 1993 में जंपर मूवी को बहुत ही बढ़िया तरीके से डॉग लाइमर ने डायरेक्ट किया है एंड काफ़ी अच्छा एक्टिंग किया है इस मूवी में लीडिंग रोल पर हेट है क्रिस्टन ने काफ़ी बढ़िया यह मूवी आपको लगने वाला है अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन मूवीज़ देखना पसंद है इस मूवी के रेटिंग की बात की जाए तो आई एम आई एम वी पर इस मूवी को सिक्स पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है जो कि काफ़ी अच्छी बात है काफ़ी बड़ी मूवी है दो हज़ार एट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इस मूवी ने आपको यह मूवी ज़रूर से देखनी चाहिए सो so, बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको जंपर मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को एच बी ओ मैक्स पर देख सकते हो और टी प्लेटफॉर्म पर एमेज़ॉन प्राइम पर देख सकते हो डिज़नी प्लस पर देख सकते हो साथ ही में इस मूवी को आप गूगल प्ले पर रेंट भी कर सकते हो और परचेज़ भी कर सकते हो सो so, आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक कि जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जंपर मूवी के बारे में 2008 में यह मूवी रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग आज भी जंपर मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी जंपर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ के लिए सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि जंपर मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने जंपर मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है ने इस मूवी को लिखा है फुल डिटेल में आपको जंपर मूवी के बारे में बताने वाले हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन जंपर मूवी ने किया था आपको हम आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं मतलब के फुल डिटेल में इस वीडियो में जंपर मूवी का रिव्यू आपको देने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है जंपर मूवी में सो so वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी जंपर मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो जंपर मूवी को डायरेक्ट किया है डॉग लाइमन ने स्क्रीन प्ले लिखा है जंपर मूवी का डेविड एस गोयर ने जिम ओहिस ने साइमन किनवर्ग ने स्टोरी लिखी है जंपर मूवी की स्टीवन गोल्ड ने प्रोड्यूस किया है जंपर मूवी को अरनॉन मिलचैन ने लूकस फॉस्टर ने साइमन किनवर्ग ने जे सेंड्रस ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो जंपर मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर हेडन क्रिस क्रिस्टनसन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जैमी बेल देखने को मिल जाते हैं राकेल विल्सन देखने को मिल जाते हैं माइकल रूकर देखने को मिल जाते हैं अन्ना सोफिया रॉब देखने को मिल जाते हैं मैक्स थे देखने को मिल जाते हैं डियाने लेन देखने को मिल जाते हैं सैमुअल एल जैक्सन देखने को मिल जाते हैं सिनेमाइटोग्राफी की है जंपर मूवी में बैरी पीटरसन ने इस मूवी को एडिट किया है सार क्लेन ने डॉन जिमरमैन ने एंड म्यूजिक किया है जम्पर मूवी का जोहन पॉवल ने प्रोडक्शन कंपनीज है यम्पर मूवी के रिजेंसी एंटरप्राइजेस न्यू रिजेंसी प्रोडक्शंस ड्यून एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया यम्पर मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने रिलीजिंग डेट है जंपर मूवी का चौदह फरवरी दो हज़ार आठ रनिंग टाइम है जंपर मूवी का एटी एट मिनट्स एंड इस मूवी को एटी फाइव मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन मिलियन डॉलर का रहा था काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इस मूवी ने काफ़ी बड़ा हिट मूवी किया था हेडन क्रिस्टन ने सबसे पहले लीडिंग रोल पर डेविड राइस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जो कि एक जंग मैन होते हैं एंड उसके ए उस उस जंग मैन में एक एविलिटी होती है जो कि शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस में जंप कर पाता है रैकेल विल्सन ने मैली हैरिस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सैमुअल एल जैक्सन ने रोलैंड कॉक्स का कैरेक्टर निभाया है जैमी बेल ने ग्रीफिन ऑफ कॉनर का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में डैन लेन ने मैरी राइस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जॉनर की बात की जाए तो जंपर मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है यह मूवी जंपर नॉवल के ऊपर बनाई गई है जो कि स्टीवन गोल्ड द्वारा लिखी गई थी 1993 में जंपर मूवी को बहुत ही बढ़िया तरीके से डॉग लाइमर ने डायरेक्ट किया है एंड काफ़ी अच्छा एक्टिंग किया है इस मूवी में लीडिंग रोल पर हेट ना क्रिस्टन सैन ने काफ़ी बढ़िया यह मूवी आपको लगने वाला है अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन मूवीज़ देखना पसंद है इस मूवी के रेटिंग की बात की जाए तो आई एम पर इस मूवी को 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है जो कि काफ़ी अच्छी बात है काफ़ी बड़ी मूवी है दो हजार एट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इस मूवी ने आपको यह मूवी ज़रूर से देखनी चाहिए सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको जम्पर मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को एच बी ओ मैक्स पर देख सकते हो और टी प्लेटफॉर्म पर एमेज़ॉन प्राइम पर देख सकते हो डिज़नी प्लस पर देख सकते हो साथ ही में इस मूवी को आप गूगल प्ले पर रेंट भी कर सकते हो और परचेज भी कर सकते हो सो so, आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जंपर मूवी के बारे में 2008 में यह मूवी रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग आज भी जंपर मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी जंपर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ के लिए सो so, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि जंपर मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने जंपर मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है फुल डिटेल में आपको जंपर मूवी के बारे में बताने वाले हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन जंपर मूवी ने किया था आपको हम आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं मतलब के फुल डिटेल में इस वीडियो में जंपर मूवी का रिव्यू आपको देने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है जंपर मूवी में सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी जम्पर मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो जंपर मूवी को डायरेक्ट किया है डॉग लाइमन ने स्क्रीन प्ले लिखा है जंपर मूवी का डेविड एस गोयर ने जिम ओहिस ने साइमन किनवर्ग ने स्टोरी लिखी है जंपर मूवी की स्टीवन गोल्ड ने प्रोड्यूस किया है जंपर मूवी को अरनॉन मिलचैन ने लूकस फॉस्टर ने साइमन किनवर्ग ने जे सैंड्रस ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो जंपर मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर हेडन क्रिस क्रिस्टनसन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जैमी बेल देखने को मिल जाते हैं राकेल विल्सन देखने को मिल जाते हैं माइकल रूकर देखने को मिल जाते हैं अन्ना सोफिया रॉब देखने को मिल जाते हैं मैक्स देखने को मिल जाते हैं डियाने लेन देखने को मिल जाते हैं सैमुअल एल एल जैक्सन देखने को मिल जाते हैं सीनेमाइटोग्राफी की है जंपर मूवी में बैरी पीटरसन ने इस मूवी को एडिट किया है सार क्लेन ने डॉन जिमरमैन ने एंड म्यूजिक किया है जम्पर मूवी का जोहन पावेल ने प्रोडक्शन कंपनीज़ है जम्पर मूवी के रियंसी एंटरप्राइजेस न्यू रियंसी प्रोडक्शंस हाइपनोटिक ड्यून एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया जंपर मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने रिलीजिंग डेट है जम्पर मूवी का चौदह फरवरी दो हज़ार आठ रनिंग टाइम है जम्पर मूवी का एटी एट मिनट्स एंड इस मूवी को एटी फाइव मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन मिलियन डॉलर का रहा था काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इस मूवी ने काफ़ी बड़ा हिट मूवी गया था हेडन क्रिस्टन ने सबसे पहले लीडिंग रोल पर डेविड राइस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जो कि एक जंगमैन होते हैं एंड उसके ए, उस उस जंगमैन में एक अवेलिटी होती है जो कि शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस में जंप कर पाता है रैकेल विल्सन ने मैली हैरिस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सैम्यूल एल जैक्सन ने रोलैंड कॉक्स का कैरेक्टर निभाया है जैमी बैल ने ग्रीफिन और कॉनर का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में डैन लेन ने मैरी राइस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जॉनर की बात की जाए तो जंपर मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है यह मूवी जंपर नॉवल के ऊपर बनाई गई है जो कि स्टीवन गोल्ड द्वारा लिखी गई थी 1993 में जंपर मूवी को बहुत ही बढ़िया तरीके से डॉग लाइमर ने डायरेक्ट किया है एंड काफ़ी अच्छा एक्टिंग किया है इस मूवी में लीडिंग रोल पर हेट है ना क्रिश्टन सैन ने काफ़ी बढ़िया यह मूवी आपको लगने वाला है अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन मूवीज़ देखना पसंद है इस मूवी के रेटिंग की बात की जाए तो आई एम आई एम डी पर इस मूवी को सिक्स पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है जो कि काफ़ी अच्छी बात है काफ़ी बड़ी मूवी है दो हज़ार एट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इस मूवी ने आपको यह मूवी ज़रूर से देखनी चाहिए सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको जंपर मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को एच बी ओ मैक्स पर देख सकते हो और टी प्लेटफॉर्म पर एमेज़ॉन प्राइम पर देख सकते हो डिज़नी प्लस पर देख सकते हो साथ ही में इस मूवी को आप गूगल प्ले पर रेंट भी कर सकते हो और परचेज भी कर सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके वाई जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जम्पर मूवी के बारे में 2008 में यह मूवी रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग आज भी जंपर मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी जंपर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ के लिए सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि जम्पर मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने जंपर मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है फुल डिटेल में आपको जंपर मूवी के बारे में बताने वाले हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन जंपर मूवी ने किया था आपको हम आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं मतलब के फुल डिटेल में इस वीडियो में जंपर मूवी का रिव्यू आपको देने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है जंपर मूवी में सो so वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी जंपर मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो जंपर मूवी को डायरेक्ट किया है डॉग लाइमन ने स्क्रीन प्ले लिखा है जंपर मूवी का डेविड एस गोयर ने जिम ओहीस ने साइमन किनवर्ग ने स्टोरी लिखी है जंपर मूवी की स्टीवन गोल्ड ने प्रोड्यूस किया है जंपर मूवी को अरनॉन मिलचैन ने लूकस फॉस्टर ने साइमन किनवर्ग ने जे सेंड्रस ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो जंपर मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर हेडन क्रिस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जैमी बेल को देखने को मिल जाते हैं रैकेल विल्सन देखने को मिल जाते हैं माइकल रूकर देखने को मिल जाते हैं अन्ना सोफिया रॉब देखने को मिल जाते हैं मैक्स थियराइट देखने को मिल जाते हैं डियाने लेन देखने को मिल जाते हैं सैमुअल एल जैक्सन देखने को मिल जाते हैं सीनेटोग्राफी की है जंपर मूवी में बैरी पीटरसन ने इस मूवी को एडिट किया है सार क्लेन ने डॉन जिमरमैन ने एंड म्यूजिक किया है जंपर मूवी का जोहन पावेल ने प्रोडक्शन कंपनीज है जम्पर मूवी के रेजेंसी एंटरप्राइजेस न्यू रजेंसी प्रोडक्शंस हाइपनोटिक ड्यून एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया जम्पर मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने रिलीजिंग डेट है जम्पर मूवी का चौदह फरवरी दो हज़ार आठ रनिंग टाइम है जंपर मूवी का 88 मिनट्स एंड इस मूवी को 85 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 225.1 मिलियन डॉलर का रहा था काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इस मूवी ने काफ़ी बड़ा हिट मूवी किया था हेडन क्रिस्टन ने सबसे पहले लीडिंग रोल पर डेविड राइस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जो कि एक जंगमैन होते हैं एंड उसके ए उस उस जंगमैन में एक एबिलिटी होती है जो कि शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस में जंप कर पाता है रैकेल विल्सन ने मैली हैरिस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सैमुअल एल जैक्सन ने रोलैंड कॉक्स का कैरेक्टर निभाया है जैमी बेल ने ग्रीफिन ऑफ कॉनर का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में डैन लेन ने मैरी राइस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जॉनर की बात की जाए तो जंपर मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है यह मूवी जंपर नॉवल के ऊपर बनाई गई है जो कि स्टीवन गोल्ड द्वारा लिखी गई थी 1993 में जंपर मूवी को बहुत ही बढ़िया तरीके से डॉग लाइमर ने डायरेक्ट किया है एंड काफ़ी अच्छा एक्टिंग किया है इस मूवी में लीडिंग रोल पर हीट एन क्रिश्टन ने काफ़ी बढ़िया यह मूवी आपको लगने वाला है अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन मूवीज़ देखना पसंद है इस मूवी के रेटिंग की बात की जाए तो आई एम आई एम डी वी पर इस मूवी को सिक्स पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है जो कि काफ़ी अच्छी बात है काफ़ी बड़ी मूवी है दो हज़ार एट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इस मूवी ने आपको यह मूवी जरूर से देखनी चाहिए सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको जंपर मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को एच बी ओ मैक्स पर देख सकते हो और टी प्लेटफॉर्म पर अमेज़न प्राइम पर देख सकते हो डिज़नी प्लस पर देख सकते हो साथ ही में इस मूवी को आप गूगल प्ले पर रेंट भी कर सकते हो और परचेज़ भी कर सकते हो सो so, आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक गोके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जम्पर मूवी के बारे में दो में यह मूवी रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग आज भी जम्पर मूवी को देखना पसंद करते हैं सो so, अगर आप भी जंपर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ के लिए सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि जंपर मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने जंपर मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है फुल डिटेल में आपको जंपर मूवी के बारे में बताने वाले हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन जंपर मूवी ने किया था आपको हम आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं मतलब के फुल डिटेल में इस वीडियो में जम्पर मूवी का रिव्यू आपको देने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है जंपर मूवी में सो so वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी जंपर मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो जंपर मूवी को डायरेक्ट किया है डॉग लाइमन ने स्क्रीन प्ले लिखा है जंपर मूवी का डेविड एस गोयर ने जिम ओहिस ने साइमन किनवर्ग ने स्टोरी लिखी है जंपर मूवी की स्टीवन गोल्ड ने प्रोड्यूस किया है जंपर मूवी को अरनॉन मिलचैन ने लूकस फॉस्टर ने साइमन किनवर्ग ने जे सेंड्रस ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो जंपर मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर हेडन क्रिस क्रिस्टनसन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जैमी बेल देखने को मिल जाते हैं रैकेल विल्सन देखने को मिल जाते हैं माइकल रूकर देखने को मिल जाते हैं अन्ना सोफिया रॉब देखने को मिल जाते हैं मैक्स थियराइट देखने को मिल जाते हैं डियाने लेन देखने को मिल जाते हैं सैमुअल एल जैक्सन देखने को मिल जाते हैं सीनेमाइटोग्राफी की है जम्पर मूवी में बैरी पीटरसन ने इस मूवी को एडिट किया है सार क्लेन ने डॉन जिमरमैन ने एंड म्यूजिक किया है जंपर मूवी का जोहन पॉवेल ने प्रोडक्शन कंपनीज है जम्पर मूवी के रिजेंसी एंटरप्राइजेस न्यू रियंसी प्रोडक्शंस है ड्यून एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया जम्पर मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने रिलीजिंग डेट है जंपर मूवी का चौदह फरवरी दो हज़ार आठ रनिंग टाइम है जम्पर मूवी का एटी एट मिनट्स एंड इस मूवी को एटी फाइव मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन मिलियन डॉलर का रहा था काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इस मूवी ने काफ़ी बड़ा हिट मूवी गया था हेडन क्रिस्टन ने सबसे पहले लीडिंग रोल पर डेविड राइस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जो कि एक जंग मैन होते हैं एंड उसके ए, उस उस जंग मैन में एक एविलिटी होती है जो कि शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस में जंप कर पाता है रैकेल विल्सन ने मैली हैरिस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सैमुअल एल जैक्सन ने रोलैंड कॉक्स का कैरेक्टर निभाया है जैमी बेल ने ग्रीफिन और कॉनर का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में डैन लेन ने मैरी राइस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जॉनर की बात की जाए तो जंपर मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है यह मूवी जंपर नावल के ऊपर बनाई गई है जो कि स्टीवन गोल्ड द्वारा लिखी गई थी 1993 में जंपर मूवी को बहुत ही बढ़िया तरीके से डॉग लाइमर ने डायरेक्ट किया है एंड काफ़ी अच्छा एक्टिंग किया है इस मूवी में लीडिंग रोल पर हेट है ना क्रिस्टन सैन ने काफ़ी बढ़िया यह मूवी आपको लगने वाला है अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन मूवीज़ देखना पसंद है इस मूवी के रेटिंग की बात की जाए तो आई एम आई एम डी पर इस मूवी को सिक्स पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है जो कि काफ़ी अच्छी बात है काफ़ी बड़ी मूवी है दो हज़ार एट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इस मूवी ने आपको यह मूवी ज़रूर से देखनी चाहिए सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको जंपर मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को एच बी ओ मैक्स पर देख सकते हो और टी प्लेटफॉर्म पर एमेज़न प्राइम पर देख सकते हो डिजनी प्लस पर देख सकते हो साथ ही में इस मूवी को आप गूगल प्ले पर रेंट भी कर सकते हो और परचेज भी कर सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक किलियों के लिए जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जंपर मूवी के बारे में 2008 में यह मूवी रिलीज हुई थी काफ़ी लोग आज भी जम्पर मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी जम्पर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ के लिए सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि जंपर मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने जंपर मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है इस मूवी को लिखा है फुल डिटेल में आपको जंपर मूवी के बारे में बताने वाले हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन जंपर मूवी ने किया था आपको हम आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं मतलब के फुल डिटेल में इस वीडियो में जंपर मूवी का रिव्यू आपको देने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है जंपर मूवी में सो so वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी जंपर मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो जंपर मूवी को डायरेक्ट किया है डॉग लाइमन ने स्क्रीन प्ले लिखा है जंपर मूवी का डेविड एस गोयर ने जिम ओहिस ने साइमन किनवर्ग ने स्टोरी लिखी है जंपर मूवी की स्टीवन गोल्ड ने प्रोड्यूस किया है जंपर मूवी को अरनॉन मिलचैन ने लूकस फॉस्टर ने साइमन किनवर्ग ने जे सेंड्रस ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो जंपर मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर हेडन क्रिस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जैमी बेल देखने को मिल जाते हैं राकेल विल्सन देखने को मिल जाते हैं माइकल रूकर देखने को मिल जाते हैं अन्ना सोफिया रॉब देखने को मिल जाते हैं मैक्स देखने को मिल जाते हैं डियाने लेन देखने को मिल जाते हैं सैमुअल एल जैक्सन देखने को मिल जाते हैं सिनेमाइटोग्राफी की है जंपर मूवी में बैरी पीटरसन ने इस मूवी को एडिट किया है सार क्लेन ने डॉन जिमरमैन ने एंड म्यूजिक किया है जंपर मूवी का जोहन पॉवेल ने प्रोडक्शन कंपनीज है यम्पर मूवी के रेजेंसी एंटरप्राइजेस न्यू रजेंसी प्रोडक्शंस हाइपनोटिक ड्यून एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया यम्पर मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने रिलीजिंग डेट है जम्पर मूवी का चौदह फरवरी दो हजार आठ रनिंग टाइम है जम्पर मूवी का एटी एट मिनट्स एंड इस मूवी को एटी फाइव मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन मिलियन डॉलर का रहा था काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इस मूवी ने काफ़ी बड़ा हिट मूवी किया था हेडन क्रिस्टन ने सबसे पहले लीडिंग रोल पर डेविड राइस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जो कि एक जंग मैन होते हैं एंड उसके उस उस जंग मैन में एक एबिलिटी होती है जो कि शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस में जंप कर पाता है रैकेल विल्सन ने मैली हैरिस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सैमुअल एल जैक्सन ने रोलैंड कॉक्स का कैरेक्टर निभाया है जैमी बेल ने ग्रीफिन और कॉनर का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में डैन लेन ने मैरी राइस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जॉनर की बात की जाए तो जंपर मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है यह मूवी जंपर नावल के ऊपर बनाई गई है जो कि स्टीवन गोल्ड द्वारा लिखी गई थी 1993 में जंपर मूवी को बहुत ही बढ़िया तरीके से डॉग लाइमर ने डायरेक्ट किया है एंड काफ़ी अच्छा एक्टिंग किया है इस मूवी में लीडिंग रोल पर हेट एन क्रिस्टन सैन ने काफ़ी बढ़िया यह मूवी आपको लगने वाला है अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन मूवीज़ देखना पसंद है इस मूवी के रेटिंग की बात की जाए तो आई एम पर इस मूवी को 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है जो कि काफ़ी अच्छी बात है काफ़ी बड़ी मूवी है दो हज़ार एट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इस मूवी ने आपको यह मूवी ज़रूर से देखनी चाहिए सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको जम्पर मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को एच बी ओ मैक्स पर देख सकते हो ओर टी प्लेटफॉर्म पर एमेज़ॉन प्राइम पर देख सकते हो डिज़नी प्लस पर देख सकते हो साथ ही में इस मूवी को आप गूगल प्ले पर रेंट भी कर सकते हो और परचेज भी कर सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जंपर मूवी के बारे में 2008 में यह मूवी रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग आज भी जंपर मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी जंपर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ के लिए सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि जंपर मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने जंपर मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है फुल डिटेल में आपको जंपर मूवी के बारे में बताने वाले हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन जंपर मूवी ने किया था आपको हम आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं मतलब के फुल डिटेल में इस वीडियो में जंपर मूवी का रिव्यू आपको देने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है जंपर मूवी में सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी जम्पर मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो जंपर मूवी को डायरेक्ट किया है डॉग लाइमन ने स्क्रीन प्ले लिखा है जंपर मूवी का डेविड एस गोयर ने जिम ओहिस ने साइमन किनवर्ग ने स्टोरी लिखी है जंपर मूवी की स्टीवन गोल्ड ने प्रोड्यूस किया है जंपर मूवी को अरनॉन मिलचैन ने लूकस फॉस्टर ने साइमन किनवर्ग ने जे सैंड्रस ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो जम्पर मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर हेडन क्रिस्ट क्रिस्टनसन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जैमी बेल देखने को मिल जाते हैं रैकेल विल्सन देखने को मिल जाते हैं माइकल रूकर देखने को मिल जाते हैं अन्ना सोफिया रॉब देखने को मिल जाते हैं मैक्स रायट देखने को मिल जाते हैं डियाने लेन देखने को मिल जाते हैं सैमुअल एल एल जैक्सन देखने को मिल जाते हैं सीनेमाटोग्राफी की है जंपर मूवी में बैरी पीटरसन ने इस मूवी को एडिट किया है सार क्लेन ने डॉन जिमरमैन ने एंड म्यूजिक किया है जंपर मूवी का जोहन पॉवेल ने प्रोडक्शन है जंपर मूवी के रेजेंसी एंटरप्राइजेस न्यू रजेंसी प्रोडक्शंस हाइपनोटिक ड्यून एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया जम्पर मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने रिलीजिंग डेट है जम्पर मूवी का चौदह फरवरी दो हज़ार आठ रनिंग टाइम है जम्पर मूवी का एटी एट मिनट्स एंड इस मूवी को एटी फाइव मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन मिलियन डॉलर का रहा था काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इस मूवी ने काफ़ी बड़ा हिट मूवी गया था हेडन क्रिस्टन ने सबसे पहले लीडिंग रोल पर डेविड राइस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जो कि एक जंगमैन होते हैं एंड उसके ए, उस उस जंगमैन में एक एबिलिटी होती है जो कि शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस में जंप कर पाता है रैकेल विल्सन ने मैली हैरिस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सैम्यूल एल जैक्सन ने रोलैंड कॉक्स का कैरेक्टर निभाया है जैमी बैल ने ग्रीफिन और कॉनर का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में डैन लेन ने मैरी राइस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जॉनर की बात की जाए तो जंपर मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है यह मूवी जंपर नावल के ऊपर बनाई गई है जो कि स्टीवन गोल्ड द्वारा लिखी गई थी 1993 में जंपर मूवी को बहुत ही बढ़िया तरीके से डॉग लाइमर ने डायरेक्ट किया है एंड काफ़ी अच्छा एक्टिंग किया है इस मूवी में लीडिंग रोल पर हेड है ना क्रिश्टन ने काफ़ी बढ़िया यह मूवी आपको लगने वाला है अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन मूवीज़ देखना पसंद है इस मूवी के रेटिंग की बात की जाए तो आई एम आई एम डी वी पर इस मूवी को सिक्स पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है जो कि काफ़ी अच्छी बात है काफ़ी बड़ी मूवी है दो हजार एट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इस मूवी ने आपको यह मूवी ज़रूर से देखनी चाहिए सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको जम्पर मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को एच बी ओ मैक्स पर देख सकते हो और टी प्लेटफॉर्म पर एमेज़ॉन प्राइम पर देख सकते हो डिज़नी प्लस पर देख सकते हो साथ ही में इस मूवी को आप गूगल प्ले पर रेंट भी कर सकते हो और परचेज भी कर सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक कि वाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जंपर मूवी के बारे में 2008 में यह मूवी रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग आज भी जंपर मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी जंपर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ के लिए सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि जम्पर मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने जंपर मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है फुल डिटेल में आपको जंपर मूवी के बारे में बताने वाले हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन जंपर मूवी ने किया था आपको हम आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं मतलब के फुल डिटेल में इस वीडियो में जंपर मूवी का रिव्यू आपको देने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है जंपर मूवी में सो so वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी जंपर मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो जंपर मूवी को डायरेक्ट किया है डॉग लाइमन ने स्क्रीन प्ले लिखा है जंपर मूवी का डेविड एस गोयर ने जिम ओहिस ने साइमन किनवर्ग ने स्टोरी लिखी है जंपर मूवी की स्टीवन गोल्ड ने प्रोड्यूस किया है जंपर मूवी को अरनॉन मिलचैन ने लूकस फॉस्टर ने साइमन किनवर्ग ने जे सैंड्रस ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो जंपर मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर हेडन क्रिस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जैमी बेल देखने को मिल जाते हैं रैकेल विल्सन देखने को मिल जाते हैं माइकल रूकर देखने को मिल जाते हैं अन्ना सोफिया रॉब देखने को मिल जाते हैं मैक्स देखने को मिल जाते हैं डियाने लेन देखने को मिल जाते हैं सैमुअल एल, एल जैक्सन देखने को मिल जाते हैं सीनेमाइटोग्राफी की है जंपर मूवी में बैरी पीटरसन ने इस मूवी को एडिट किया है सार क्लेन ने डॉन जिमरमैन ने एंड म्यूजिक किया है जंपर मूवी का जोहन पॉवेल ने प्रोडक्शन कंपनीज है जम्पर मूवी के रियंसी एंटरप्राइजेस न्यू रिय प्रोडक्शंस हाइपनोटिक ड्यून एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया जम्पर मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने रिलीजिंग डेट है जम्पर मूवी का चौदह फरवरी दो हजार आठ रनिंग टाइम है जंपर मूवी का एटी एट मिनट्स एंड इस मूवी को एटी फाइव मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन मिलियन डॉलर का रहा था काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इस मूवी ने काफ़ी बड़ा हिट मूवी किया था हेडन क्रिस्टन ने सबसे पहले लीडिंग रोल पर डेविड राइस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जो कि एक जंगमैन होते हैं एंड उसके ए उस उस जंगमैन में एक अबिलिटी होती है जो कि शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस में जंप कर पाता है रैकेल विल्सन ने मैली हैरिस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सैमुअल एल जैक्सन ने रोलैंड कॉक्स का कैरेक्टर निभाया है जैमी बेल ने ग्रीफिन और कॉनर का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में डेन लेन ने मैरी राइस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जॉनर की बात की जाए तो जंपर मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है यह मूवी जंपर नॉवल के ऊपर बनाई गई है जो कि स्टीवन गोल्ड द्वारा लिखी गई थी 1993 में जंपर मूवी को बहुत ही बढ़िया तरीके से डॉग लाइमर ने डायरेक्ट किया है एंड काफ़ी अच्छा एक्टिंग किया है इस मूवी में लीडिंग रोल पर हेट इन क्रिशन ने काफ़ी बढ़िया यह मूवी आपको लगने वाला है अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन मूवीज़ देखना पसंद है इस मूवी के रेटिंग की बात की जाए तो आई एम आई एम डी पर इस मूवी को सिक्स पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है जो कि काफ़ी अच्छी बात है काफ़ी बड़ी मूवी है दो हज़ार एट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इस मूवी ने आपको यह मूवी ज़रूर से देखनी चाहिए सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको जंपर मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को एच बी ओ मैक्स पर देख सकते हो और टी प्लेटफॉर्म पर अमेज़ॉन प्राइम पर देख सकते हो डिज़नी प्लस पर देख सकते हो साथ ही में इस मूवी को आप गूगल प्ले पर रेंट भी कर सकते हो और परचेज़ भी कर सकते हो सो so, आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक किलियों के लिए ओके जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जम्पर मूवी के बारे में 2008 में यह मूवी रिलीज हुई थी काफ़ी लोग आज भी जंपर मूवी को देखना पसंद करते हैं सो so, अगर आप भी जंपर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ के लिए सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि जंपर मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने जंपर मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है फुल डिटेल में आपको जंपर मूवी के बारे में बताने वाले हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन जंपर मूवी ने किया था आपको हम आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं मतलब के फुल डिटेल में इस वीडियो में जम्पर मूवी का रिव्यू आपको देने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है जंपर मूवी में सो so वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी जंपर मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो जंपर मूवी को डायरेक्ट किया है डॉग लाइमन ने स्क्रीन प्ले लिखा है जंपर मूवी का डेविड एस गोयर ने जिम ओहिस ने साइमन किनवर्ग ने स्टोरी लिखी है जंपर मूवी की स्टीवन गोल्ड ने प्रोड्यूस किया है जंपर मूवी को अरनॉन मिलचैन ने लूकस फॉस्टर ने साइमन किनवर्ग ने जे सैंडर्स ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो जंपर मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर हेडन क्रिस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जैमी बेल देखने को मिल जाते हैं राकेल विल्सन देखने को मिल जाते हैं माइकल रूकर देखने को मिल जाते हैं अन्ना सोफिया रॉब देखने को मिल जाते हैं मैक्स देखने को मिल जाते हैं डियाने लेन देखने को मिल जाते हैं सैमुअल एल जैक्सन देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की है जंपर मूवी में बैरी पीटरसन ने इस मूवी को एडिट किया है सार क्लेन ने डॉन जिमरमैन ने एंड म्यूजिक किया है जंपर मूवी का जोहन पॉवेल ने प्रोडक्शन कंपनीज है जम्पर मूवी के रियंसी एंटरप्राइजेस न्यू रीजेंसी प्रोडक्शंस हाइपनोटिक ड्यून एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया जम्पर मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने रिलीजिंग डेट है जंपर मूवी का चौदह फरवरी दो हज़ार आठ रनिंग टाइम है जम्पर मूवी का एटी एट मिनट्स एंड इस मूवी को एटी फाइव मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन मिलियन डॉलर का रहा था काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इस मूवी ने काफ़ी बड़ा हिट मूवी गया था हेडन क्रिस्टन ने सबसे पहले लीडिंग रोल पर डेविड राइस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जो कि एक जंग मैन होते हैं एंड उसके ए, उस उस जंगमैन में एक एबिलिटी होती है जो कि शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस में जंप कर पाता है राकेल बिल्सन ने मैली हैरिस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सैमुअल एल जैक्सन ने रोलैंड कॉक्स का कैरेक्टर निभाया है जैमी बैल ने ग्रीफिन ऑफ कॉनर का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में डैन लेन ने मैरी राइस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जॉनर की बात की जाए तो जंपर मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है यह मूवी जंपर नावल के ऊपर बनाई गई है जो कि स्टीवन गोल्ड द्वारा लिखी गई थी 1993 में जंपर मूवी को बहुत ही बढ़िया तरीके से डॉग लाइमर ने डायरेक्ट किया है एंड काफ़ी अच्छा एक्टिंग किया है इस मूवी में लीडिंग रोल पर हेट है क्रिस्टन ने काफ़ी बढ़िया यह मूवी आपको लगने वाला है अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन मूवीज़ देखना पसंद है इस मूवी के रेटिंग की बात की जाए तो आई एम पर इस मूवी को सिक्स पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है जो कि काफ़ी अच्छी बात है काफ़ी बड़ी मूवी है दो हज़ार एट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इस मूवी ने आपको यह मूवी ज़रूर से देखनी चाहिए सो बात कर लेते हैं कि कहां पर आपको जंपर मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को एच बी ओ मैक्स पर देख सकते हो और टी प्लेटफॉर्म पर Amazon प्राइम पर देख सकते हो डिज़नी प्लस पर देख सकते हो साथ ही में इस मूवी को आप गूगल प्ले पर रेंट भी कर सकते हो और परचेज भी कर सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जंपर मूवी के बारे में 2008 में यह मूवी रिलीज हुई थी काफी लोग आज भी जम्पर मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी जम्पर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ के लिए सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि जंपर मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने जंपर मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है इस मूवी को लिखा है फुल डिटेल में आपको जंपर मूवी के बारे में बताने वाले हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन जंपर मूवी ने किया था आपको हम आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं मतलब के फुल डिटेल में इस वीडियो में जंपर मूवी का रिव्यू आपको देने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है जंपर मूवी में सो so वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी जंपर मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो जंपर मूवी को डायरेक्ट किया है डॉग लाइमन ने स्क्रीन प्ले लिखा है जंपर मूवी का डेविड एस गोयर ने जिम ओहिस ने साइमन किनवर्ग ने स्टोरी लिखी है जंपर मूवी की स्टीवन गोल्ड ने प्रोड्यूस किया है जंपर मूवी को अरनॉन मिलचैन ने लूकस फॉस्टर ने साइमन किनवर्ग ने जे एंड्रस ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो जंपर मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर हेडन क्रिस क्रिस्टनसन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जैमी बेल देखने को मिल जाते हैं राकेल विल्सन देखने को मिल जाते हैं माइकल रूकर देखने को मिल जाते हैं अन्ना सोफिया रॉब देखने को मिल जाते हैं मैक्स थे देखने को मिल जाते हैं डियाने लेन देखने को मिल जाते हैं सैमुअल एल जैक्सन देखने को मिल जाते हैं सीनेमाइटोग्राफी की है जंपर मूवी में बैरी पीटरसन ने इस मूवी को एडिट किया है सार क्लेन ने डॉन जिमरमैन ने एंड म्यूजिक किया है जम्पर मूवी का जोहन पॉवल ने प्रोडक्शन कंपनीज है यम्पर मूवी के रजेंसी एंटरप्राइजेस न्यू रजेंसी प्रोडक्शंस हाइपनोटिक ड्यून एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया यम्पर मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने रिलीजिंग डेट है जंपर मूवी का चौदह फरवरी दो हजार आठ रनिंग टाइम है जंपर मूवी का एटी एट मिनट्स एंड इस मूवी को एटी फाइव मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन मिलियन डॉलर का रहा था काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इस मूवी ने काफ़ी बड़ा हिट मूवी किया था हेडन क्रिस्टन ने सबसे पहले लीडिंग रोल पर डेविड राइस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जो कि एक जंग मैन होते हैं एंड उसके उस उस जंग मैन में एक एविलिटी होती है जो कि शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस में जंप कर पाता है राकेल विल्सन ने मैली हैरिस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सैमुअल एल जैक्सन ने रोलैंड कॉक्स का कैरेक्टर निभाया है जैमी बेल ने ग्रीफिन और कॉनर का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में डैन लेन ने मैरी राइस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जॉनर की बात की जाए तो जंपर मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है यह मूवी जंपर नॉवल के ऊपर बनाई गई है जो कि स्टीवन गोल्ड द्वारा लिखी गई थी 1993 में जंपर मूवी को बहुत ही बढ़िया तरीके से डॉग लाइमर ने डायरेक्ट किया है एंड काफ़ी अच्छा एक्टिंग किया है इस मूवी में लीडिंग रोल पर हेट है न क्रिस्टन सेन ने काफ़ी बढ़िया यह मूवी आपको लगने वाला है अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन मूवीज़ देखना पसंद है इस मूवी के रेटिंग की बात की जाए तो आई एम पर इस मूवी को सिक्स पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है जो कि काफ़ी अच्छी बात है काफ़ी बड़ी मूवी है दो हजार एट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इस मूवी ने आपको यह मूवी ज़रूर से देखनी चाहिए सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको जम्पर मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को एच बी ओ मैक्स पर देख सकते हो और टी प्लेटफॉर्म पर एमेज़ॉन प्राइम पर देख सकते हो डिज़नी प्लस पर देख सकते हो साथ ही में इस मूवी को आप गूगल प्ले पर रेंट भी कर सकते हो और परचेज भी कर सकते हो सो so, आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जंपर मूवी के बारे में 2008 में यह मूवी रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग आज भी जंपर मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी जंपर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ के लिए सो so, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि जंपर मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने जंपर मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है फुल डिटेल में आपको जंपर मूवी के बारे में बताने वाले हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन जंपर मूवी ने किया था आपको हम आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं मतलब के फुल डिटेल में इस वीडियो में जंपर मूवी का रिव्यू आपको देने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है जंपर मूवी में सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी जम्पर मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो जंपर मूवी को डायरेक्ट किया है डॉग लाइमन ने स्क्रीन प्ले लिखा है जंपर मूवी का डेविड एस गोयर ने जिम ओहिस ने साइमन किनवर्ग ने स्टोरी लिखी है जंपर मूवी की स्टीवन गोल्ड ने प्रोड्यूस किया है जंपर मूवी को अरनॉन मिलचैन ने लूकस फॉस्टर ने साइमन किनवर्ग ने जे सेंड्रस ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो जंपर मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर हेडन क्रिस्टेंसन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जैमी बेल देखने को मिल जाते हैं रैकेल विल्सन देखने को मिल जाते हैं माइकल रूकर देखने को मिल जाते हैं अन्ना सोफिया रॉब देखने को मिल जाते हैं मैक्स रॉइट देखने को मिल जाते हैं डियाने लेन देखने को मिल जाते हैं सैमुअल एल एल जैक्सन देखने को मिल जाते हैं सैनैटोग्राफी की है जंपर मूवी में बैरी पीटरसन ने इस मूवी को एडिट किया है सार क्लेन ने डॉन जिमरमैन ने एंड म्यूजिक किया है जम्पर मूवी का जोहन पॉवेल ने प्रोडक्शन कंपनीज़ है जम्पर मूवी के रियंसी एंटरप्राइजेस न्यू रियंसी प्रोडक्शंस हाइपनोटिक ड्यून एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया जम्पर मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने रिलीजिंग डेट है जम्पर मूवी का चौदह फरवरी दो हज़ार आठ रनिंग टाइम है जम्पर मूवी का एटी एट मिनट्स एंड इस मूवी को एटी फाइव मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन मिलियन डॉलर का रहा था काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इस मूवी ने काफ़ी बड़ा हिट मूवी गया था हेडन क्रिस्टन ने सबसे पहले लीडिंग रोल पर डेविड राइस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जो कि एक जंगमैन होते हैं एंड उसके उस उस जंगमैन में एक एबिलिटी होती है जो कि शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस में जंप कर पाता है रैकेल विल्सन ने मैली हैरिस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सैमुअल एल जैक्सन ने रोलैंड कॉक्स का कैरेक्टर निभाया है जैमी बैल ने ग्रीफिन और कॉनर का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में डैन लेन ने मैरी राइस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जॉनर की बात की जाए तो जंपर मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है यह मूवी जंपर नावल के ऊपर बनाई गई है जो कि स्टीवन गोल्ड द्वारा लिखी गई थी 1993 में जंपर मूवी को बहुत ही बढ़िया तरीके से डॉग लाइमर ने डायरेक्ट किया है एंड काफ़ी अच्छा एक्टिंग किया है इस मूवी में लीडिंग रोल पर हेट है ना क्रिश्टन सैन ने काफ़ी बढ़िया यह मूवी आपको लगने वाला है अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन मूवीज़ देखना पसंद है इस मूवी के रेटिंग की बात की जाए तो आई एम आई एम डी वी पर इस मूवी को सिक्स पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है जो कि काफ़ी अच्छी बात है काफ़ी बड़ी मूवी है दो हज़ार एट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इस मूवी ने आपको यह मूवी ज़रूर से देखनी चाहिए सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको जंपर मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को एच बी ओ मैक्स पर देख सकते हो और टी प्लेटफॉर्म पर एमेज़ॉन प्राइम पर देख सकते हो डिज़नी प्लस पर देख सकते हो साथ ही में इस मूवी को आप गूगल प्ले पर रेंट भी कर सकते हो और परचेज भी कर सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जम्पर मूवी के बारे में 2008 में यह मूवी रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग आज भी जंपर मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी जंपर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ के लिए सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि जंपर मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने जंपर मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है फुल डिटेल में आपको जंपर मूवी के बारे में बताने वाले हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जंपर मूवी ने किया था आपको हम आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं मतलब कि फुल डिटेल में इस वीडियो में जंपर मूवी का रिव्यू आपको देने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है जंपर मूवी में सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी जंपर मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो जंपर मूवी को डायरेक्ट किया है डॉग लाइमन ने स्क्रीन प्ले लिखा है जंपर मूवी का डेविड एस गोयर ने जिम ओहिस ने साइमन किनवर्ग ने स्टोरी लिखी है जंपर मूवी की स्टीवन गोल्ड ने प्रोड्यूस किया है जंपर मूवी को अरनॉन मिलचैन ने लूकस फॉस्टर ने साइमन किनवर्ग ने जे सैंडर्स ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो जंपर मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर हेडन क्रिस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जैमी बेल देखने को मिल जाते हैं रैकेल विल्सन देखने को मिल जाते हैं माइकल रूकर देखने को मिल जाते हैं अन्ना सोफिया रॉब देखने को मिल जाते हैं मैक्स थियराइट देखने को मिल जाते हैं डियाने लेन देखने को मिल जाते हैं सैमुअल एल जैक्सन देखने को मिल जाते हैं सीनेमाइटोग्राफी की है जंपर मूवी में बैरी पीटरसन ने इस मूवी को एडिट किया है सार क्लेन ने डॉन जिमरमैन ने एंड म्यूजिक किया है जंपर मूवी का जोहन पॉवेल ने प्रोडक्शन कंपनीज है जम्पर मूवी के रिजेंसी एंटरप्राइजेस न्यू रिजेंसी प्रोडक्शंस हाइपनोटिक ड्यून एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया जम्पर मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने रिलीजिंग डेट है जम्पर मूवी का चौदह फरवरी दो हजार आठ रनिंग टाइम है जम्पर मूवी का 88 मिनट्स एंड इस मूवी को 85 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 225.1 मिलियन डॉलर का रहा था काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इस मूवी ने काफ़ी बड़ा हिट मूवी किया था हेडन क्रिस्टन ने सबसे पहले लीडिंग रोल पर डेविड राइस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जो कि एक जंगमैन होते हैं एंड उसके ए उस उस जंगमैन में एक एबिलिटी होती है जो कि शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस में जंप कर पाता है रैकेल विल्सन ने मैली हैरिस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सैमुअल एल जैक्सन ने रोलैंड कॉक्स का कैरेक्टर निभाया है जैमी बेल ने ग्रीफिन और कॉनर का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में डेन लेन ने मैरी राइस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जॉनर की बात की जाए तो जंपर मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है यह मूवी जंपर नावल के ऊपर बनाई गई है जो कि स्टीवन गोल्ड द्वारा लिखी गई थी 1993 में जंपर मूवी को बहुत ही बढ़िया तरीके से डॉग लाइमर ने डायरेक्ट किया है एंड काफ़ी अच्छा एक्टिंग किया है इस मूवी में लीडिंग रोल पर हेट एन क्रिश्टन ने काफ़ी बढ़िया यह मूवी आपको लगने वाला है अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन मूवीज़ देखना पसंद है इस मूवी के रेटिंग की बात की जाए तो आई IM, एम पर इस मूवी को सिक्स पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है जो कि काफ़ी अच्छी बात है काफ़ी बड़ी मूवी है दो हज़ार एट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इस मूवी ने आपको यह मूवी जरूर से देखनी चाहिए सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको जंपर मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को एच बी ओ मैक्स पर देख सकते हो और टी प्लेटफॉर्म पर अमेज़न प्राइम पर देख सकते हो डिज़नी प्लस पर देख सकते हो साथ ही में इस मूवी को आप गूगल प्ले पर रेंट भी कर सकते हो और परचेज़ भी कर सकते हो सो so, आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जम्पर मूवी के बारे में 2008 में यह मूवी रिलीज हुई थी काफ़ी लोग आज भी जम्पर मूवी को देखना पसंद करते हैं सो so, अगर आप भी जंपर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ के लिए सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि जंपर मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने जंपर मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है फुल डिटेल में आपको जंपर मूवी के बारे में बताने वाले हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जंपर मूवी ने किया था आपको हम आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं मतलब के फुल डिटेल में इस वीडियो में जम्पर मूवी का रिव्यू आपको देने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है जंपर मूवी में सो so वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी जंपर मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो जंपर मूवी को डायरेक्ट किया है डॉग लाइमन ने स्क्रीन प्ले लिखा है जंपर मूवी का डेविड एस गोयर ने जिम ओहिस ने साइमन किनवर्ग ने स्टोरी लिखी है जंपर मूवी की स्टीवन गोल्ड ने प्रोड्यूस किया है जंपर मूवी को अरनॉन मिलचैन ने लूकस फॉस्टर ने साइमन किनवर्ग ने जे सैंडर्स ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो जंपर मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर हेडन क्रिस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जेमी बेल देखने को मिल जाते हैं रैकेल विल्सन देखने को मिल जाते हैं माइकल रूकर देखने को मिल जाते हैं अन्ना सोफिया रॉब देखने को मिल जाते हैं मैक्स थियराइट देखने को मिल जाते हैं डियाने लेन देखने को मिल जाते हैं सैमुअल एल जैक्सन देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की है जंपर मूवी में बैरी पीटरसन ने इस मूवी को एडिट किया है सार क्लेन ने डॉन जिमरमैन ने एंड म्यूजिक किया है जंपर मूवी का जोहन पावेल ने प्रोडक्शन कंपनीज है जम्पर मूवी के रेजेंसी एंटरप्राइजेस न्यू रजेंसी प्रोडक्शंस हाइपनोटिक ड्यून एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया जम्पर मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने रिलीजिंग डेट है जंपर मूवी का चौदह फरवरी दो हज़ार आठ रनिंग टाइम है जम्पर मूवी का एटी एट मिनट्स एंड इस मूवी को एटी फाइव मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन मिलियन डॉलर का रहा था काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इस मूवी ने काफ़ी बड़ा हिट मूवी गया था हेडन क्रिस्टन ने सबसे पहले लीडिंग रोल पर डेविड राइस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जो कि एक जंग मैन होते हैं एंड उसके ए उस उस जंग मैन में एक एविलिटी होती है जो कि शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस में जंप कर पाता है रैकेल विल्सन ने मैली हैरिस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सैमुअल एल जैक्सन ने रोलैंड कॉक्स का कैरेक्टर निभाया है जैमी बेल ने ग्रीफिन और कॉनर का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में डैन लेन ने मैरी राइस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जॉनर की बात की जाए तो जंपर मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है यह मूवी जंपर नावल के ऊपर बनाई गई है जो कि स्टीवन गोल्ड द्वारा लिखी गई थी 1993 में जंपर मूवी को बहुत ही बढ़िया तरीके से डॉग लाइमर ने डायरेक्ट किया है एंड काफ़ी अच्छा एक्टिंग किया है इस मूवी में लीडिंग रोल पर हेट है न क्रिस्टन सेन ने काफ़ी बढ़िया यह मूवी आपको लगने वाला है अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन मूवीज़ देखना पसंद है इस मूवी के रेटिंग की बात की जाए तो आई एम पर इस मूवी को सिक्स पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है जो कि काफ़ी अच्छी बात है काफ़ी बड़ी मूवी है दो हज़ार एट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इस मूवी ने आपको यह मूवी ज़रूर से देखनी चाहिए सो बात कर लेते हैं कि कहां पर आपको जंपर मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को एच बी ओ मैक्स पर देख सकते हो और टी प्लेटफॉर्म पर Amazon प्राइम पर देख सकते हो डिज़नी प्लस पर देख सकते हो साथ ही में इस मूवी को आप गूगल प्ले पर रेंट भी कर सकते हो और परचेज भी कर सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक किलियों के जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जंपर मूवी के बारे में 2008 में यह मूवी रिलीज हुई थी काफ़ी लोग आज भी जंपर मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी जम्पर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ के लिए सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि जंपर मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने जंपर मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है ने इस मूवी को लिखा है फुल डिटेल में आपको जंपर मूवी के बारे में बताने वाले हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन जंपर मूवी ने किया था आपको हम आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं मतलब के फुल डिटेल में इस वीडियो में जंपर मूवी का रिव्यू आपको देने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है जंपर मूवी में सो so वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी जंपर मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो जंपर मूवी को डायरेक्ट किया है डॉग लाइमन ने स्क्रीन प्ले लिखा है जंपर मूवी का डेविड एस गोयर ने जिम ओहिस ने साइमन किनवर्ग ने स्टोरी लिखी है जंपर मूवी की स्टीवन गोल्ड ने प्रोड्यूस किया है जंपर मूवी को अरनॉन मिलचैन ने लूकस फॉस्टर ने साइमन किनवर्ग ने जे सेंड्रस ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो जंपर मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर हेडन क्रिस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जैमी बेल देखने को मिल जाते हैं राकेल विल्सन देखने को मिल जाते हैं माइकल रूकर देखने को मिल जाते हैं अन्ना सोफिया रॉब देखने को मिल जाते हैं मैक्स थ देखने को मिल जाते हैं डियाने लेन देखने को मिल जाते हैं सैमुअल एल जैक्सन देखने को मिल जाते हैं सिनेमाइटोग्राफी की है जंपर मूवी में बैरी पीटरसन ने इस मूवी को एडिट किया है सार क्लेन ने डॉन जिमरमैन ने एंड म्यूजिक किया है जम्पर मूवी का जोहन पॉवेल ने प्रोडक्शन कंपनीज है यम्पर मूवी के रेजेंसी एंटरप्राइजेस न्यू रजेंसी प्रोडक्शंस हाइपनोटिक ड्यून एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया यम्पर मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने रिलीजिंग डेट है जम्पर मूवी का चौदह फरवरी दो हज़ार आठ रनिंग टाइम है जंपर मूवी का एटी एट मिनट्स एंड इस मूवी को एटी फाइव मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन मिलियन डॉलर का रहा था काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इस मूवी ने काफ़ी बड़ा हिट मूवी किया था हेडन क्रिस्टन ने सबसे पहले लीडिंग रोल पर डेविड राइस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जो कि एक जंग मैन होते हैं एंड उसके ए उस जंग मैन में एक एबिलिटी होती है जो कि शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस में जंप कर पाता है रैकेल बिल्सन ने मैली हैरिस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सैमुअल एल जैक्सन ने रोलैंड कॉक्स का कैरेक्टर निभाया है जैमी बेल ने ग्रीफिन ऑफ कॉनर का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में डैन लेन ने मैरी राइस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जॉनर की बात की जाए तो जंपर मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है यह मूवी जंपर नॉवल के ऊपर बनाई गई है जो कि स्टीवन गोल्ड द्वारा लिखी गई थी 1993 में जंपर मूवी को बहुत ही बढ़िया तरीके से डॉग लाइमर ने डायरेक्ट किया है एंड काफ़ी अच्छा एक्टिंग किया है इस मूवी में लीडिंग रोल पर हीट है ना क्रिस्टन सेन ने काफ़ी बढ़िया यह मूवी आपको लगने वाला है अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन मूवीज़ देखना पसंद है इस मूवी के रेटिंग की बात की जाए तो आई एम पर इस मूवी को सिक्स पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है जो कि काफ़ी अच्छी बात है काफ़ी बड़ी मूवी है दो हजार एट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इस मूवी ने आपको यह मूवी ज़रूर से देखनी चाहिए सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको जम्पर मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को एच बी ओ मैक्स पर देख सकते हो ओर टी प्लेटफॉर्म पर एमेज़ॉन प्राइम पर देख सकते हो डिज़नी प्लस पर देख सकते हो साथ ही में इस मूवी को आप गूगल प्ले पर रेंट भी कर सकते हो और परचेज भी कर सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जंपर मूवी के बारे में 2008 में यह मूवी रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग आज भी जंपर मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी जंपर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ के लिए सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि जंपर मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने जंपर मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है फुल डिटेल में आपको जंपर मूवी के बारे में बताने वाले हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जंपर मूवी ने किया था आपको हम आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं मतलब के फुल डिटेल में इस वीडियो में जंपर मूवी का रिव्यू आपको देने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है जंपर मूवी में सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी जम्पर मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो जंपर मूवी को डायरेक्ट किया है डॉग लाइमन ने स्क्रीन प्ले लिखा है जंपर मूवी का डेविड एस गोयर ने जिम ओहिस ने साइमन किनवर्ग ने स्टोरी लिखी है जंपर मूवी की स्टीवन गोल्ड ने प्रोड्यूस किया है जंपर मूवी को अरनॉन मिलचैन ने लूकस फॉस्टर ने साइमन किनवर्ग ने जे सैंड्रस ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो जंपर मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर हेडन क्रिस्ट देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जैमी बेल देखने को मिल जाते हैं रैकेल विल्सन देखने को मिल जाते हैं माइकल रूकर देखने को मिल जाते हैं अन्ना सोफिया रॉब देखने को मिल जाते हैं मैक्स रायट देखने को मिल जाते हैं डियाने लेन देखने को मिल जाते हैं सैमुअल एल एल जैक्सन देखने को मिल जाते हैं सीनेमाटोग्राफी की है जंपर मूवी में बैरी पीटरसन ने इस मूवी को एडिट किया है सार क्लेन ने डॉन जिमरमैन ने एंड म्यूजिक किया है जंपर मूवी का जोहन पावेल ने प्रोडक्शन है जंपर मूवी के रिजेंसी एंटरप्राइजेस न्यू रिजेंसी प्रोडक्शंस हाइपनोटिक ड्यून एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया जंपर जम्पर मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने रिलीजिंग डेट है जम्पर मूवी का चौदह फरवरी 2008 रनिंग टाइम है जम्पर मूवी का 88 मिनट्स एंड इस मूवी को 85 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन 225.1 मिलियन डॉलर का रहा था काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इस मूवी ने काफ़ी बड़ा हिट मूवी गया था हेडन क्रिस्टन ने सबसे पहले लीडिंग रोल पर डेविड राइस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जो कि एक जंगमैन होते हैं एंड उसके ए, उस उस जंगमैन में एक एबिलिटी होती है जो कि शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस में जंप कर पाता है रैकेल विल्सन ने मैली हैरिस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सैमुअल एल जैक्सन ने रोलैंड कॉक्स का कैरेक्टर निभाया है जैमी बैल ने ग्रिफिन और कॉनर का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में डैन लेन ने मैरी राइस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जॉनर की बात की जाए तो जंपर मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है यह मूवी जंपर नावल के ऊपर बनाई गई है जो कि स्टीवन गोल्ड द्वारा लिखी गई थी 1993 में जंपर मूवी को बहुत ही बढ़िया तरीके से डॉग लाइमर ने डायरेक्ट किया है एंड काफ़ी अच्छा एक्टिंग किया है इस मूवी में लीडिंग रोल पर हेट है न क्रिश्टन ने काफ़ी बढ़िया यह मूवी आपको लगने वाला है अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन मूवीज़ देखना पसंद है इस मूवी के रेटिंग की बात की जाए तो आई एम आई एम डी पर इस मूवी को सिक्स पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है जो कि काफ़ी अच्छी बात है काफ़ी बड़ी मूवी है दो हज़ार एट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इस मूवी ने आपको यह मूवी ज़रूर से देखनी चाहिए सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको जम्पर मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को एच बी ओ मैक्स पर देख सकते हो और टी प्लेटफॉर्म पर एमेज़ॉन प्राइम पर देख सकते हो डिज़नी प्लस पर देख सकते हो साथ ही में इस मूवी को आप गूगल प्ले पर रेंट भी कर सकते हो और परचेज भी कर सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक किलियों के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जम्पर मूवी के बारे में 2008 में यह मूवी रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग आज भी जंपर मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी जंपर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ के लिए सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि जम्पर मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने जंपर मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है फुल डिटेल में आपको जंपर मूवी के बारे में बताने वाले हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन जंपर मूवी ने किया था आपको हम आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं मतलब के फुल डिटेल में इस वीडियो में जंपर मूवी का रिव्यू आपको देने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है जंपर मूवी में सो so वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी जंपर मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो जंपर मूवी को डायरेक्ट किया है डॉग लाइमन ने स्क्रीन प्ले लिखा है जंपर मूवी का डेविड एस गोयर ने जिम ओहीस ने साइमन किनवर्ग ने स्टोरी लिखी है जंपर मूवी की स्टीवन गोल्ड ने प्रोड्यूस किया है जंपर मूवी को अरनॉन मिलचैन ने लूकस फॉस्टर ने साइमन किनवर्ग ने जे सेंड्रस ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो जंपर मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर हेडन क्रिस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जैमी बेल को देखने को मिल जाते हैं राकेल विल्सन देखने को मिल जाते हैं माइकल रूकर देखने को मिल जाते हैं अन्ना सोफिया रॉब देखने को मिल जाते हैं मैक्स रॉट देखने को मिल जाते हैं डियाने लेन देखने को मिल जाते हैं सैमुअल एल जैक्सन देखने को मिल जाते हैं सैनमेटोग्राफी की है जंपर मूवी में बैरी पीटरसन ने इस मूवी को एडिट किया है सार क्लेन ने डॉन जिमरमैन ने एंड म्यूजिक किया है जम्पर मूवी का जोहन पावेल ने प्रोडक्शन कंपनीज है जम्पर मूवी के रियंसी एंटरप्राइजेस न्यू रियंसी प्रोडक्शंस हाइपनोटिक ड्यून एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया जम्पर मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने रिलीजिंग डेट है जम्पर मूवी का चौदह फरवरी दो हजार आठ रनिंग टाइम है जंपर मूवी का एटी एट मिनट्स एंड इस मूवी को एटी फाइव मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन मिलियन डॉलर का रहा था काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इस मूवी ने काफ़ी बड़ा हिट मूवी किया था हेडन क्रिस्टन ने सबसे पहले लीडिंग रोल पर डेविड राइस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जो कि एक जंगमैन होते हैं एंड उसके ए उस उस जंगमैन में एक एबिलिटी होती है जो कि शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस में जंप कर पाता है रैकेल बिल्सन ने मैली हैरिस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सैमुअल एल जैक्सन ने रोलैंड कॉक्स का कैरेक्टर निभाया है जैमी बेल ने ग्रीफिन ऑफ कॉनर का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में डैन लेन ने मैरी राइस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जॉनर की बात की जाए तो जंपर मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है यह मूवी जंपर नॉवल के ऊपर बनाई गई है जो कि स्टीवन गोल्ड द्वारा लिखी गई थी 1993 में जंपर मूवी को बहुत ही बढ़िया तरीके से डॉग लाइमर ने डायरेक्ट किया है एंड काफ़ी अच्छा एक्टिंग किया है इस मूवी में लीडिंग रोल पर हेट है क्रिश्टन सैन ने काफ़ी बढ़िया यह मूवी आपको लगने वाला है अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन मूवीज़ देखना पसंद है इस मूवी के रेटिंग की बात की जाए तो आई एम आई एम डी वी पर इस मूवी को सिक्स पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है जो कि काफ़ी अच्छी बात है काफ़ी बड़ी मूवी है दो हज़ार एट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इस मूवी ने आपको यह मूवी ज़रूर से देखनी चाहिए सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको जम्पर मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को एच बी ओ मैक्स पर देख सकते हो और टी प्लेटफॉर्म पर एमेज़ॉन प्राइम पर देख सकते हो डिज़नी प्लस पर देख सकते हो साथ ही में इस मूवी को आप गूगल प्ले पर रेंट भी कर सकते हो और परचेज़ भी कर सकते हो सो so, आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जम्पर मूवी के बारे में 2008 में यह मूवी रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग आज भी जंपर मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी जंपर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ के लिए सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि जंपर मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने जंपर मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है फुल डिटेल में आपको जंपर मूवी के बारे में बताने वाले हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन जंपर मूवी ने किया था आपको हम आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं मतलब के फुल डिटेल में इस वीडियो में जम्पर मूवी का रिव्यू आपको देने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है जंपर मूवी में सो so वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी जंपर मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो जंपर मूवी को डायरेक्ट किया है डॉग लाइमन ने स्क्रीन प्ले लिखा है जंपर मूवी का डेविड एस गोयर ने जिम ओहिस ने साइमन किनवर्ग ने स्टोरी लिखी है जंपर मूवी की स्टीवन गोल्ड ने प्रोड्यूस किया है जंपर मूवी को अरनॉन मिलचैन ने लूकस फॉस्टर ने साइमन किनवर्ग ने जे सेंड्रस ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो जंपर मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर हेडन क्रिस क्रिस्टनसन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जैमी बेल देखने को मिल जाते हैं रैकेल विल्सन देखने को मिल जाते हैं माइकल रूकर देखने को मिल जाते हैं अन्ना सोफिया रॉब देखने को मिल जाते हैं मैक्स देखने को मिल जाते हैं डियाने लेन देखने को मिल जाते हैं सैमुअल एल जैक्सन देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की है जंपर मूवी में बैरी पीटरसन ने इस मूवी को एडिट किया है सार क्लेन ने डॉन जिमरमैन ने एंड म्यूजिक किया है जंपर मूवी का जोहन पॉवेल ने प्रोडक्शन कंपनीज है जम्पर मूवी के रियंसी एंटरप्राइजेस न्यू रीजेंसी प्रोडक्शंस हाइपनोटिक ड्यून एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया जम्पर मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने रिलीजिंग डेट है जंपर मूवी का चौदह फरवरी दो हज़ार आठ रनिंग टाइम है जम्पर मूवी का एटी एट मिनट्स एंड इस मूवी को एटी फाइव मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन मिलियन डॉलर का रहा था काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इस मूवी ने काफ़ी बड़ा हिट मूवी किया था हेडन क्रिस्टन ने सबसे पहले लीडिंग रोल पर डेविड राइस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जो कि एक जंग मैन होते हैं एंड उसके ए, उस उस जंग मैन में एक एविलिटी होती है जो कि शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस में जंप कर पाता है रैकेल विल्सन ने मैली हैरिस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सैमुअल एल जैक्सन ने रोलैंड कॉक्स का कैरेक्टर निभाया है जैमी बैल ने ग्रीफिन ऑफ कॉनर का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में डैन लेन ने मैरी राइस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जॉनर की बात की जाए तो जंपर मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है यह मूवी जंपर नावल के ऊपर बनाई गई है जो कि स्टीवन गोल्ड द्वारा लिखी गई थी 1993 में जंपर मूवी को बहुत ही बढ़िया तरीके से डॉग लाइमर ने डायरेक्ट किया है एंड काफ़ी अच्छा एक्टिंग किया है इस मूवी में लीडिंग रोल पर हेट ना क्रिस्टन सेन ने काफ़ी बढ़िया यह मूवी आपको लगने वाला है अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन मूवीज़ देखना पसंद है इस मूवी के रेटिंग की बात की जाए तो आई एम पर इस मूवी को 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है जो कि काफ़ी अच्छी बात है काफ़ी बड़ी मूवी है दो हज़ार एट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इस मूवी ने आपको यह मूवी ज़रूर से देखनी चाहिए सो बात कर लेते हैं कि कहां पर आपको जंपर मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को एच बी ओ मैक्स पर देख सकते हो और टी प्लेटफॉर्म पर Amazon प्राइम पर देख सकते हो डिज़नी प्लस पर देख सकते हो साथ ही में इस मूवी को आप गूगल प्ले पर रेंट भी कर सकते हो और परचेज भी कर सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जंपर मूवी के बारे में 2008 में यह मूवी रिलीज हुई थी काफ़ी लोग आज भी जम्पर मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी जम्पर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ के लिए सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि जंपर मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने जंपर मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है इस मूवी को लिखा है फुल डिटेल में आपको जंपर मूवी के बारे में बताने वाले हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जंपर मूवी ने किया था आपको हम आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं मतलब के फुल डिटेल में इस वीडियो में जंपर मूवी का रिव्यू आपको देने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है जंपर मूवी में सो so वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी जंपर मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो जंपर मूवी को डायरेक्ट किया है डॉग लाइमन ने स्क्रीन प्ले लिखा है जंपर मूवी का डेविड एस गोयर ने जिम ओहिस ने साइमन किनवर्ग ने स्टोरी लिखी है जंपर मूवी की स्टीवन गोल्ड ने प्रोड्यूस किया है जंपर मूवी को अरनॉन मिलचैन ने लूकस फॉस्टर ने साइमन किनवर्ग ने जे सेंड्रस ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो जंपर मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर हेडन क्रिस क्रिस्टनसन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जैमी बेल देखने को मिल जाते हैं राकेल विल्सन देखने को मिल जाते हैं माइकल रूकर देखने को मिल जाते हैं अन्ना सोफिया रॉब देखने को मिल जाते हैं मैक्स देखने को मिल जाते हैं डियाने लेन देखने को मिल जाते हैं सैमुअल एल जैक्सन देखने को मिल जाते हैं सैनैटोग्राफी की है जंपर मूवी में बैरी पीटरसन ने इस मूवी को एडिट किया है सार क्लेन ने डॉन जिमरमैन ने एंड म्यूजिक किया है जंपर मूवी का जोहन पॉवेल ने प्रोडक्शन कंपनीज है यम्पर मूवी के रियंसी एंटरप्राइजेस न्यू रिजेंसी प्रोडक्शंस हाइपनोटिक ड्यून एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया जम्पर मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने रिलीजिंग डेट है जम्पर मूवी का चौदह फरवरी दो हज़ार आठ रनिंग टाइम है जम्पर मूवी का एटी एट मिनट्स एंड इस मूवी को एटी फाइव मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन मिलियन डॉलर का रहा था, था।, था। काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इस मूवी ने काफ़ी बड़ा हिट मूवी किया था हेडन क्रिस्टन ने सबसे पहले लीडिंग रोल पर डेविड राइस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जो कि एक जंग मैन होते हैं एंड उसके ए उस उस जंगमैन में एक एविलिटी होती है जो कि शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस में जंप कर पाता है राकेल विल्सन ने मैली हैरिस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सैमुअल एल जैक्सन ने रोलैंड कॉक्स का कैरेक्टर निभाया है जैमी बैल ने ग्रीफिन ऑफ कॉनर का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में डैन लेन ने मैरी राइस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जॉनर की बात की जाए तो जंपर मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है यह मूवी जंपर नावल के ऊपर बनाई गई है जो कि स्टीवन गोल्ड द्वारा लिखी गई थी 1993 में जंपर मूवी को बहुत ही बढ़िया तरीके से डॉग लाइमर ने डायरेक्ट किया है एंड काफ़ी अच्छा एक्टिंग किया है इस मूवी में लीडिंग रोल पर हेट है क्रिस्टन सेन ने काफ़ी बढ़िया यह मूवी आपको लगने वाला है अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन मूवीज़ देखना पसंद है इस मूवी के रेटिंग की बात की जाए तो आई एम पर इस मूवी को सिक्स पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है जो कि काफ़ी अच्छी बात है काफ़ी बड़ी मूवी है दो हज़ार एट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इस मूवी ने आपको यह मूवी ज़रूर से देखनी चाहिए सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको जम्पर मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को एच बी ओ मैक्स पर देख सकते हो ओर टी प्लेटफॉर्म पर एमेज़ॉन प्राइम पर देख सकते हो डिज़नी प्लस पर देख सकते हो साथ ही में इस मूवी को आप गूगल प्ले पर रेंट भी कर सकते हो और परचेज भी कर सकते हो सो so, आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जंपर मूवी के बारे में 2008 में यह मूवी रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग आज भी जंपर मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी जंपर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ के लिए सो so, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि जंपर मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने जंपर मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है फुल डिटेल में आपको जंपर मूवी के बारे में बताने वाले हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन जंपर मूवी ने किया था आपको हम आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं मतलब के फुल डिटेल में इस वीडियो में जंपर मूवी का रिव्यू आपको देने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है जंपर मूवी में सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी जंपर मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो जंपर मूवी को डायरेक्ट किया है डॉग लाइमन ने स्क्रीन प्ले लिखा है जंपर मूवी का डेविड एस गोयर ने जिम ओहिस ने साइमन किनवर्ग ने स्टोरी लिखी है जंपर मूवी की स्टीवन गोल्ड ने प्रोड्यूस किया है जंपर मूवी को अरनॉन मिलचैन ने लूकस फॉस्टर ने साइमन किनवर्ग ने जे सेंड्रस ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो जंपर मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर हेडन क्रिस्ट देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जैमी बेल देखने को मिल जाते हैं रैकेल विल्सन देखने को मिल जाते हैं माइकल रूकर देखने को मिल जाते हैं अन्ना सोफिया रॉब देखने को मिल जाते हैं मैक्स थ देखने को मिल जाते हैं डियाने लेन देखने को मिल जाते हैं सैमुअल एल एल जैक्सन देखने को मिल जाते हैं सीनेटोग्राफी की है जंपर मूवी में बैरी पीटरसन ने इस मूवी को एडिट किया है सार क्लेन ने डॉन जिमरमैन ने एंड म्यूजिक किया है जम्पर मूवी का जोहन पॉवेल ने प्रोडक्शन कंपनीज़ है जम्पर मूवी के रियंसी एंटरप्राइजेस न्यू रियंसी प्रोडक्शंस हाइपनोटिक ड्यून एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है जंपर मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने रिलीजिंग डेट है जम्पर मूवी का चौदह फरवरी दो हज़ार आठ रनिंग टाइम है जम्पर मूवी का एटी एट मिनट्स एंड इस मूवी को एटी फाइव मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन मिलियन डॉलर का रहा था काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इस मूवी ने काफ़ी बड़ा हिट मूवी गया था हेडन क्रिस्टेन ने सबसे पहले लीडिंग रोल पर डेविड राइस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जो कि एक जंगमैन होते हैं एंड उसके उस उस जंगमैन में एक एबिलिटी होती है जो कि शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस में जंप कर पाता है रैकेल विल्सन ने मैली हैरिस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सैम्यूल एल जैक्सन ने रोलैंड कॉक्स का कैरेक्टर निभाया है जैमी बैल ने ग्रीफिन और कॉनर का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में डैन लेन ने मैरी राइस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जॉनर की बात की जाए तो जंपर मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है यह मूवी जंपर नावल के ऊपर बनाई गई है जो कि स्टीवन गोल्ड द्वारा लिखी गई थी 1993 में जंपर मूवी को बहुत ही बढ़िया तरीके से डॉग लाइमर ने डायरेक्ट किया है एंड काफ़ी अच्छा एक्टिंग किया है इस मूवी में लीडिंग रोल पर हेट है ना क्रिश्टन सैन ने काफ़ी बढ़िया यह मूवी आपको लगने वाला है अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन मूवीज़ देखना पसंद है इस मूवी के रेटिंग की बात की जाए तो आई एम पर इस मूवी को सिक्स पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है जो कि काफ़ी अच्छी बात है काफ़ी बड़ी मूवी है दो हज़ार एट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इस मूवी ने आपको यह मूवी ज़रूर से देखनी चाहिए सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको जम्पर मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को एच बी ओ मैक्स पर देख सकते हो और टी प्लेटफॉर्म पर अमेज़ॉन प्राइम पर देख सकते हो डिज़नी प्लस पर देख सकते हो साथ ही में इस मूवी को आप गूगल प्ले पर रेंट भी कर सकते हो और परचेज़ भी कर सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जंपर मूवी के बारे में 2008 में यह मूवी रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग आज भी जंपर मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी जंपर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ के लिए सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि जंपर मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने जंपर मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है फुल डिटेल में आपको जंपर मूवी के बारे में बताने वाले हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जंपर मूवी ने किया था आपको हम आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं मतलब के फुल डिटेल में इस वीडियो में जंपर मूवी का रिव्यू आपको देने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है जंपर मूवी में सो so वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी जंपर मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो जंपर मूवी को डायरेक्ट किया है डॉग लाइमन ने स्क्रीन प्ले लिखा है जंपर मूवी का डेविड एस गोयर ने जिम ओहिस ने साइमन किनवर्ग ने स्टोरी लिखी है जंपर मूवी की स्टीवन गोल्ड ने प्रोड्यूस किया है जंपर मूवी को अरनॉन मिलचैन ने लूकस फॉस्टर ने साइमन किनवर्ग ने जे सैंड्रस ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो जंपर मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर हेडन क्रिस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जैमी बेल देखने को मिल जाते हैं रैकेल विल्सन देखने को मिल जाते हैं माइकल रूकर देखने को मिल जाते हैं अन्ना सोफिया रॉब देखने को मिल जाते हैं मैक्स थियराइट देखने को मिल जाते हैं डियाने लेन देखने को मिल जाते हैं सैमुअल एल, एल जैक्सन देखने को मिल जाते हैं सीनेमाइटोग्राफी की है जम्पर मूवी में बैरी पीटरसन ने इस मूवी को एडिट किया है सार क्लेन ने डॉन जिमरमैन ने एंड म्यूजिक किया है जंपर मूवी का जोहन पॉवेल ने प्रोडक्शन कंपनीज है, एं है जम्पर मूवी के रिजेंसी एंटरप्राइजेस न्यू रिजेंसी प्रोडक्शंस हाइपनोटिक ड्यून एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने रिलीजिंग डेट है जम्पर मूवी का चौदह फरवरी दो हजार आठ रनिंग टाइम है जंपर मूवी का एटी एट मिनट्स एंड इस मूवी को एटी फाइव मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन मिलियन डॉलर का रहा था काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इस मूवी ने काफ़ी बड़ा हिट मूवी किया था हेडन क्रिस्टन ने सबसे पहले लीडिंग रोल पर डेविड राइस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जो कि एक जंगमैन होते हैं एंड उसके ए उस उस जंगमैन में एक एबिलिटी होती है जो कि शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस में जंप कर पाता है रैकेल विल्सन ने मैली हैरिस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सैमुअल एल जैक्सन ने रोलैंड कॉक्स का कैरेक्टर निभाया है जैमी बैल ने ग्रीफिन ऑफ कॉनर का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में डेन लेन ने मैरी राइस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जॉनर की बात की जाए तो जंपर मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है यह मूवी जंपर नॉवल के ऊपर बनाई गई है जो कि स्टीवन गोल्ड द्वारा लिखी गई थी 1993 में जंपर मूवी को बहुत ही बढ़िया तरीके से डॉग लाइमर ने डायरेक्ट किया है एंड काफ़ी अच्छा एक्टिंग किया है इस मूवी में लीडिंग रोल पर हेट क्रिश्टन ने काफ़ी बढ़िया यह मूवी आपको लगने वाला है अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन मूवीज़ देखना पसंद है इस मूवी के रेटिंग की बात की जाए तो आई एम आई एम डी पर इस मूवी को सिक्स पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है जो कि काफ़ी अच्छी बात है काफ़ी बड़ी मूवी है दो हज़ार एट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इस मूवी ने आपको यह मूवी ज़रूर से देखनी चाहिए सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको जम्पर मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को एच बी ओ मैक्स पर देख सकते हो और टी प्लेटफॉर्म पर अमेज़ॉन प्राइम पर देख सकते हो डिज़नी प्लस पर देख सकते हो साथ ही में इस मूवी को आप गूगल प्ले पर रेंट भी कर सकते हो और परचेज़ भी कर सकते हो सो so, आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम